कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें, ऐसे थोड़ी होता है। ये बहुत गलत बात है कि केंद्र राज्य को वैक्सीन नहीं दे रहा है, ये भ्रामक है। ये कहीं ना कहीं वन अपमैनशिप के लिए कि मैं सबसे अच्छा मुख्यमंत्री हूँ ये प्रूफ करने की जो होड़ लगी हुई है कुछ मुख्यमंत्री और कुछ राजनेताओं में, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इस युद्ध में उचित नहीं है। दो महीनों से देश का हर राज्य वैक्सीन जुगाड़ने में लगा हुआ है। वैक्सीन कंपनियों ने साफ साफ कह दिया कि वे राज्य सरकारों से बात नहीं करेंगे, केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे। आप हमें जिम्मेदारी दीजिए, हम हर जिम्मेदारी पूरी करेंगे। लेकिन जो काम हमारा है ही नहीं, वो काम राज्य सरकारें कैसे करेंगे? जो काम केंद्र सरकार को करने का है वो तो केंद्र सरकार को करना ही पड़ेगा ना। अरविंद केजरीवाल जी, आपको केंद्र सरकार ने लगभग 46 लाख वैक्सीन दिए हैं और आपने अभी तक कुल मिलाकर के 8,17,000 वैक्सीन उपयोग की। 9,04,720 वैक्सीन प्रोक्योर किए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल अपने बूते पर। तो आप सोचिए, दिल्ली सरकार ने जितना प्रोक्योर किया है 8,17,000, उससे कहीं ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने प्रोक्योर कर लिया। तो टोटल डोज जो दिल्ली सरकार ने अपने पैसे से खरीद करके अपने दम पे लगाया है वो मात्र 13% है कुल वैक्सीनेटेड लोगों का दिल्ली में। वैक्सीनेशन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक साइंटिफिक तरीका है, इसलिए आज पूरे विश्व में कहीं भी बच्चों पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई है। ट्रायल से पहले हम बच्चों को गिनी पिग के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते। जब तक कि पुख्ता जानकारी के साथ ट्रायल्स कंप्लीट ना हो, हम अपनी बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और केजरीवाल जी, आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, बच्चों को इस लड़ाई के बीच में मत लाइए।